आज हम बादाम और चावल से बहुत ही बेहतरीन क्रीम बनाएंगे। इसके लिए हमने 15 से 20 बादाम और 2 से 3 चम्मच चावल ले लिए हैं। तो चावल आप जो भी यूज़ करते हो वो ले लें। अब ये दोनों को हम अच्छे से भिगा देंगे पानी में 5 से 6 घंटे के लिए, जिससे ये अच्छे से सोख हो जाए। और ये बादाम को हमने गुलाब जल में भिगोया है और गुलाब जल भी हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब सारे बादाम को हम एक एक करके इस प्रकार से छील लेंगे। इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। जो हम मार्केट से क्रीम लाते हैं इतनी महंगी लाते हैं, अगर आप एक बार ये वाला क्रीम बना लें घर में तो ये इतनी इफ़ेक्टिव होगी, बहुत ही आपको इसका असर दिखेगा। और ये हमने सारे बादाम को पील कर लिए हैं और ये जो इसका गुलाब जल है वो भी हम यूज़ करेंगे। चावल भी अच्छे से हमारा सोख हो गया है। अब एक मिक्सी जार में सारे बादाम को हम डाल देंगे और ये गुलाब जल डाल देंगे उसके साथ जो हमने भिगोया था, और ये चावल का पानी इसमें मिला देंगे चावल के सहित में। बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रीम है, जो विंटर चल रहा है अभी इसमें आपको बहुत ही यूज़फुल होगी ये क्रीम। अब ये सबको हम अभी मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमने इसको ग्राइंड कर लिया है तो इस प्रकार से इसका पेस्ट तैयार हुआ है हमारा। थोड़ा दरदरा ही रहता है, बादाम थोड़ा रहता है मोटा इसमें आ जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसका पानी और मिक्स करके थोड़ा सा एक बार और मिक्सी को चला लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा अच्छा स्मूथ हो गया है। अब इसको हम थोड़ा छान लेंगे तो जो नीचे हमारे को एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा बादाम का और चावल का, उसको हम यूज़ करेंगे। और जो ऊपर हमारा बचेगा उसको आप फेंकेंगे नहीं, बहुत ही बहुत बेनिफिट है ये। इसको आप स्क्रबिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा ऊपर वाला मटेरियल बचेगा उसको आप हाथ पैर में स्क्रब कर सकते हैं। और जो नीचे हमारा निकला है इसका एक्सट्रैक्ट, उससे हम क्रीम बनाएंगे अब। तो इस प्रकार से ये हमारा एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे स्वीट आलमंड ऑयल। तो ये बादाम का तेल हमने लिया है। अगर आपके पास में बादाम का तेल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे विटामिन ई की कैप्सूल। विंटर में ये बहुत ही यूज़फुल होगा, बहुत ही इससे आपको स्किन एकदम नरिश दिखेगी। जो स्किन खिंचा जाती है ठंड में, एकदम नहाने के बाद में लगता है क्या लगाएं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये हम इसमें डाल देंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके पास ताज़ा प्लांट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो हमने लिया है मार्केट वाला, तो ये ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं हम। और जो आप प्लांट वाला लेंगे तो वो आप 8 से 10 दिन में ख़त्म कर ले क्रीम को, फिर नहीं बना लें। और विंटर का समय है तो क्रीम जल्दी ख़राब नहीं होती है। ये देखिए बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में हमारी ये क्रीम एकदम रेडी हो गई है। आपका स्किन इससे फेयर तो होगा ही, जो खिंचाव होती है स्किन में उसमें भी आपको मदद मिलेगी। और एक बोतल में हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको बाहर ही रखें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये हमारी क्रीम एकदम रेडी हो गई है। और चावल और बादाम से ये बनी क्रीम बहुत ही बेनिफिशियल है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें मार्केट से लाने के पहले। इस प्रकार इसको आप फेस पे भी लगा सकते हो, अपने हाथ वाथ सब जगह लगा सकते हैं आप इसको। ये हमारी क्रीम एकदम रेडी हो गई है।